फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आज एंजल गाइडेंस, यानी कि भगवान के गाइडेंस। भगवान आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? किसी भी, कोई भी देख सकता है इसको, किसी भी टाइम देख सकता है। देखते हैं, आप किसी और डिवाइन को मानते हो तो ये रीडिंग आप उनको मन में धारकर देख सकते हैं। एंजल जो होते हैं, कहते ईश्वर एक है, नाम अनेक है। एंजल आज आपको बताएंगे कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, या भी सपोर्ट स्टॉप होना चाहिए, या कुछ चीजों का इंतजार करना चाहिए। तू है आसमां में मेरी ये जमी है, तू है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है, तू ही दिलबर है, तू ही आशिकी है। जी हाँ, डिवाइन ही सब कुछ है। जब इनका हाथ सर पे रहता है, सभी सभी चीजें पॉजिटिव रहती है और अपने अनुसार चलती हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं, एंजल कह रहे हैं, जिन चीजों का आप इंतजार कर रहे हो, काफी टाइम से आपकी कुछ चीजें ऐसी है जो रुकी हुई थी। यानी कि हो सकता है कोई आपने रिश्ता सोच रखा हो, या कोई बिजनेस खोलना हो, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। अब इन चीजों को आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंजल कैरी उन चीजों को आप शुरू कर सकती हो जिनके लिए काफी समय से वक्त, एक अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे थे। एंजल कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो है जिनके पास प्रॉब्लम्स बहुत है, समस्याएं बहुत है, और वो काफी दिनों से वो सोल्व नहीं हो रही। तो एंजल कह रहे हैं अब जो आने वाला टाइम होगा, आपकी जो सिचुएशन है, जो बिगड़ी पड़ी है, आप काफी दिनों से एफर्ट भी लगा रहे हो, वो सुधरने का नाम नहीं ले ही रही। तो आपकी सिचुएशन जो खराब सिचुएशन है, अब वो इम्प्रूव होने वाली है। इंजल कह रहे हैं अगर किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, वो चीज आपको नहीं मिल रही, चाहे वो हो बिजनेस, चाहे हो जॉब, चाहे हो कोई रिश्ता, तो इंजल कह रहे हैं अभी उस चीज के लिए टाइम नहीं आया। यानी कि वो आपके फेवर में नहीं है। अगर आप उसके पीछे काफी टाइम से भाग रहे हो, फिर भी आपको लगता है कि मेरे साथ सही क्यों नहीं हो रहा, मुझे मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, तो वो चीज का अभी टाइम नहीं आया। नोट द राइट टाइम, सही टाइम नहीं है। अगर कोई आपने सही बात करनी है या किसी चीज के लिए, तो आपको इंतजार करना होगा उस सही वक्त का, तभी चीजें जो है इम्प्रूव होंगी। एंजल कह रहे हैं कुछ लोगों के दिल में, दिमाग में कई तरह के क्वेश्चन हैं। रोज अलग अलग नए क्वेश्चन पुट होते हैं और उनका रिप्लाई आसपास में सभी से एडवाइस लेते हो, किसी से आपको परफेक्ट एडवाइस नहीं मिलती। तो आपने अपने डिवाइन से पूछना, अपने एंजल से पूछना है। जब आप अपने एंजल से पूछोगे, तो आपकी जो इंट्यूशन वर्क करेगी, वही आपके सही रिप्लाई होंगे। जो चीज आपके मन में खटक रही है, जिसका अच्छे से रिप्लाई नहीं मिलता, तो आप एंजल से पूछिए। एंजल जरूर कोई ना कोई आपकी सहायता करेंगे।
हिंजल कह रही है रेडी हो जाओ अगर काफी टफ टाइम आप देख चुके हो, काफी पेन आप सह चुके हो, काफी चीजों के जवाब आपके रुके हुए हैं, काफी काम रुके हुए हैं, हर चीजें आपकी पॉजिटिव होगी, सिर्फ रेडी हो जाओ। कुछ लोग काफी दिनों से परेशान है कि उनका समय ऐसे है रुक सा गया है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो एंजल कह रही है रेडी हो जाओ, यू आर रेडी। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि किसी चीज का वक्त एक्शन, जैसे कि आपने कोई एक्शन लेना है, जैसे कोई काम शुरू करना है, या किसी के साथ कोई ऐसी बातचीत करनी है जो अभी तक रुकी हुई है, तो जहाँ वक्त का इंतजार कर रहे हो तो टेक एक्शन, एक्शन आप ले सकते हो। ये टाइम आपके फेवर में है, जिन लोगों ने काफ़ी दिनों से कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं और ले नहीं पाते, तो वो ले सकते हैं। वेट, जो चीजों के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो और वो चीजें आपकी बार बार रुक रही हैं, आगे नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि नीचे से तो लोग, भले ही आपका लोग भी साथ दे रहे हैं, तभी आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो डिवाइन कह रहे हैं कि अभी ऊपर से आपको, ईश्वर की तरफ से अभी आपको उस चीज का संदेशा नहीं मिला, यानी कि आपको अभी वेट करने की जरूरत है, इंतजार करो और समय आने पर चीजें जो है अपने आप अच्छी होंगी। एंजल कह रहे हैं उन सब चीजों के लिए नो है जो चीजें आपको हमेशा दुख देती रहती हैं, जो रिश्ता दुख देता है, जो जॉब दुख देती है और आप दोबारा उसमें जाने की सोच रहे हो, तो वो आपके फेवर में नहीं है, उसके लिए डिवाइन नो बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़े टाइम का स्पेस दो, कुछ समय तक साइलेंस रहो, तो चीजें आपके फेवर में होगी, उसके बाद इन चीजों का सोचना। अंत बला तो सब बला, डिवाइन कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं, एंजल कह रहे, मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, बस पॉजिटिव बने रहिए, मुझ पे भरोसा रखिए, आप जिस भी डिवाइन को मानते हो उस पे भरोसा रखिए, और जो चीज़ें आपके नहीं चल रही मैनिफेस्ट कीजिए, दुखी होने की ज़रूरत नहीं, मैनिफेस्ट कीजिए, आपके सारे सपने साकार होंगे और आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थे आज के एंजल के गाइडेंस, अगर ये आपको पसंद आए हो तो कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।